विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही जम्मू कश्मीर में राजनीतिक पार्टियों में तैयारियां शुरू कर दी। इसी क्रम में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मंगलवार को अपने घोषणा पत्र का ऐलान किया, जिसमें 12 गारंटी दी गई है। इसमें अनुच्छेद 370 की बहाली, जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा तथा वर्ष 2000 में तत्कालीन विधानसभा द्वारा पारित स्वायत्तता प्रस्ताव का क्रियान्वयन शामिल है। बीजेपी ने एनसी के घोषणा पत्र को राष्ट्र विरोधी बताया। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एनसी के घोषणा पत्र में सभी राजनीतिक कैदियों के लिए माफी तथा कश्मीरी पंडितों की घाटी में सम्मानजनक वापसी का भी वादा किया गया है। पार्टी ने अपने चुनावी दस्तावेज में 200 यूनिट मुफ्त बिजली, बिजली पानी के संकट से राहत, जम्मू कश्मीर को पन बिजली परियोजना का हस्तांतरण, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को हर साल 12 LPG सिलेंडर मुफ्त देने जैसे वादे किए हैं। पार्टी उपाध्यक्ष अमर अब्दुल्ला ने राजनीतिक कैदियों की रिहाई, 1,00,000 नौकरियां पैदा करना और भारत पाक में बातचीत समेत कई गारंटियां गिनाई। उमर ने कहा कि अगर केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने में विफल रही तो हम सुप्रीम कोर्ट का रुख बदलेंगे। 12 सूत्रीय घोषणा पत्र जारी करते हुए अमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम पिछले कुछ वर्षों में हुए सभी अन्याय को दूर करेंगे और उनके नया कश्मीर का सपना साकार होगा। पार्टी उपाध्यक्ष अमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा, आप भी सुने। मैं आप सबका तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ, इतनी शॉर्ट नोटिस पे आप सब लोग आए। आज जिस तरह आप जानते हैं कि आज मैनिफेस्टो का जो है वो अनाउंसमेंट हमारे नायब सदर करेंगे, इससे पहले कि मैं उनको माइक रिक्वेस्ट करूँ, मैं यहाँ इनके साथ जो बैठे हुए हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँ। हमारे वाइस प्रेसिडेंट के साथ पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली हाजी अली मोहम्मद सागर साहब हैं, इस पार्टी इस मैनिफेस्टो के चेयरमैन जो है सीनियर लीडर अब्दुल रहीम राठर साहब हैं, हमारे जम्मू से आए हुए एडिशनल जनरल सेक्रेटरी अजय सदोत्रा साहब हैं। इस मैनिफेस्टो को रिलीज करने से पहले मैं मेंबर्स का नाम लेना चाहूँगा जिन मेंबर्स इस मैनिफेस्टो कमेटी के थे, उसके बाद मैं नायब सदर को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कुछ बात करें, उसके बाद हमारा स्लाइड स्टार्ट होगा। स्लाइड्स एक एक करके हम आपको दिखाएंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे जो मेन 12 गारंटीज है। ये मैनिफेस्टो कमेटी जो 2024 की थी, इसमें अब्दुल रहीम राठर साहब चेयरमैन हैं, अजय सदोत्रा साहब एडिशनल जनरल सेक्रेटरी इसके मेंबर हैं, मियां अल्ताफ साहब मेंबर पार्लियामेंट हमारे, आगा रूहुल्ला साहब ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट, नासिर असलम वानी साहब हमारे सूबाई सदर कश्मीर, रतनलाल गुप्ता साहब जम्मू के सूबाई सदर, सकीना इत्तू जी जो सेंट्रल सेक्रेटरी हैं, खालिद नजीब सोरवर्दी साहब जो हमारे एक्स मिनिस्टर हैं उसके मेंबर हैं, रिटायर जस्टिस हसनैन मसूदी साहब हैं एक्स MP, शरीफुद्दीन शारिक साहब एक्स मेंबर पार्लियामेंट, सरदार शमी ओबरॉय जो पार्टी के ट्रेजरर हैं मैं इसका मेंबर हूं, उसके अलावा शौकत मीर साहब, मोहम्मद यूसुफ टेंग साहब, बाबू रामपाल जी, डॉक्टर समीर कौल, मुजफ्फर अहमद और प्रोफेसर निसार अली साहब, ये हमारे इस मेंबर हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे नायब सदर उमर अब्दुल्ला साहब को अपने ओपनिंग रिमार्क्स दें, उसके बाद हम स्लाइड स्टार्ट करेंगे। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आप सब मीडिया के दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि आप आज हमारे इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने आए। पार्लियामेंट इलेक्शन खत्म होते ही हमने इन असेंबली इंतखाबात के लिए तंजीम की तरफ से अपनी शुरुआत की और हमें लगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए अगर हम वोटर को नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट डालने के लिए कन्विंस करना चाहते हैं तो हम क्या लेके लोगों के पास जाएंगे। सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने ये जिम्मेदारी जनाब अब्दुल रहीम राठर साहब जो हमारे सबसे सीनियर साथियों में गिने जाते हैं जिन्होंने न सिर्फ तंजीम में एक बहुत अहम रोल अदा किया है बल्कि कई साल जम्मू कश्मीर के फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर भी काम किया है। जब कभी पार्टी को कोई डॉक्यूमेंट या कोई इस तरह का काम करना होता है तो कहीं ना कहीं राठर साहब को हम उसके साथ जोड़ने का काम करते हैं।
इस बार भी जब मंशूर तैयार करने की बात आई तो फारूक अब्दुल्ला साहब ने राजा साहब को ये जिम्मेदारी दी और उन पर छोड़ा कि वो कमेटी में किन किन को शामिल करना चाहेंगे। कमेटी में जिस तरह तनवीर ने भी कहा, कई सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथी जो हैं इस कमेटी के साथ जुड़े रहे। इसके साथ साथ प्रोफेसर निसार साहब भी, उन्होंने भी हमारी इसमें बहुत मदद की। लेकिन जिनके नाम लिए गए उन्होंने तो मदद की, लेकिन कई सारे ऐसे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं जिनका एक रोल इसमें रहा, जिनके नाम हम वक्त बचाने के लिए हम ले भी नहीं पाए, लेकिन वो जानते हैं और हम जानते हैं कि उनका इसमें कितना कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। और मैं अपने तरफ से, चेयरमैन साहब की तरफ से, बाकी मेंबरों की तरफ से उनका भी इस रिपोर्ट के लिए शुक्रिया करना चाहता हूँ। चाहे वो डिज़ाइनिंग में उन्होंने मदद की, ग्राफिक्स में मदद की, इसके ग्रुप रीडिंग में मदद की, इसके प्रिंटिंग में मदद की, जहाँ जहाँ उनकी मदद हमें हासिल हुई उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। ये मैनिफेस्टो राठौर साहब ने दफ्तर में बैठ के तैयार नहीं किया, ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस का काम नहीं है। जिम्मेदारी संभालने के बाद राठौर साहब का पहला कदम था अपने टीम को बुला के उनसे मशवरा करके हमने जम्मू कश्मीर के आवाम से बात की। हमने उनसे कहा कि हमारे मंशूर में वो क्या देखना चाहेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से उनको कौन से वादे ऐसे चाहिए जिनसे उनको लगता है कि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक तब्दीली आएगी, एक बेहतरी आएगी, जो पिछले कई सालों से हम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, उस मुश्किलात का हल कहाँ से हो सकता है। और जब राठौर साहब और कमेटी के मेंबरों ने लोगों को ईमेल के ज़रिए और मैसेज के ज़रिए अपने सजेशन भेजने पर जो है उन्हें एक दावत दी, तो हम उम्मीद कर रहे थे कि 5, 10, 15 ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोग जो हैं इसमें मेहनत करेंगे। और आम तौर पर अगर लोग इसमें जवाब अगर देंगे भी तो वो एक नॉन सीरियस उनका रवैया होगा। हम हैरान हुए, जम्मू कश्मीर का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ से लोगों ने रिस्पांस नहीं मिला। और हज़ार से ज़्यादा होंगे राजू साहब, हज़ारों में ईमेल्स, मैसेजेस, लेटर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में राठौर साहब को एड्रेस हुए। और जिन जिन्होंने अपना कीमती वक्त इस्तेमाल करके अपने सजेशन हमें भेजे, पहले तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि एक भी ऐसी ईमेल, चिट्ठी या मैसेज नहीं है जिसको राठौर साहब और उनके साथियों ने पढ़ा ना। हर किसी मैसेज को पढ़ा गया, हर किसी मैसेज को जो है हमने फिर डिस्कशन के लिए रखा और कोशिश की गई कि जहाँ जहाँ से हमें वो सुझाव मिले, वहाँ जहाँ जहाँ से हमें वो बातें सामने आएँ जिससे कि हमें लगा कि जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के आवाम को फ़ायदा होगा, हमने उस चीज़ को मंशूर में शामिल करने की कोशिश की। ये सिर्फ इलेक्शन के लिए डॉक्यूमेंट नहीं है। जब आप इसको पढ़ेंगे, जब आप इसको देखेंगे, जब तफसील में आप इसको देखें तो आप ये शायद समझ जाएंगे जो मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरह से एक एजेंडा फॉर गवर्नेंस है। ये 5 साल का एक रोड मैप हम खींच रहे हैं जो कि इसको पूरा करने पे वाकई जम्मू कश्मीर में एक तब्दीली, एक बदलाव आएगा। बदलाव की बात तो इससे पहले बहुतों ने की, लेकिन धोखा देने के अलावा हमें कुछ नहीं मिला। राठौर साहब और उनके साथियों को अगर सदर मोहतरम ने एक बात कही तो सिर्फ ये थी कि आप वादे वो करिए जो आप कल जाके मुकम्मल कर पाओ। अब हमारे बाद और भी पार्टियां हैं, वो भी अपने मंशूर जो हैं लोगों के सामने पेश करेंगे। जाहिर सी बात है कि कुछ उनमें से ऐसे भी होंगे जो हमसे बढ़ चढ़ के वादे करेंगे। और मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि वो पार्टियाँ जो कल हुकूमत बनाने की उम्मीद रख भी नहीं सकते, उनके लिए बड़े वादे करना कोई मुश्किल बात है नहीं, क्योंकि जिन लोगों को मालूम है कि वो कल हुकूमत में आएंगे नहीं वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन हम लोग जो ये उम्मीद कर रहे हैं कि कल को हमें लोगों के वोट हासिल होंगे, कल को अक्टूबर में जब नतीजे आएंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की कामयाबी होगी,
हमारे लिए गैर जिम्मेदाराना तौर जो है लोगों से वादे करना या इस तरह के वादे करना जिनको कल हम पूरा ना कर पाए, वो लोगों के साथ खिलवाड़ होगा, लोगों के साथ लगाव होगा, लोगों के साथ धोखा होगा और हम उस चीज़ के लिए तैयार नहीं। तो जो भी मंशूर में हम बातें शामिल कर रहे हैं उन सब पे राठौर साहब उनके साथियों ने बहुत ही ज़्यादा इस पर गौर किया है, इस पर सोचा है, इनको एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस किया है और तब जाके डिस्कशन और सारा चीज़ करने के बाद आज ये डॉक्यूमेंट तैयार करके हम आपके सामने रख रहे हैं। शायद पहले फेज के नोटिफिकेशन से एक दिन पहले इसको रिलीज करना, इससे भी आप समझ सकते हैं कि कितनी सीरियसनेस नेशनल कॉन्फ्रेंस में है, कितनी तरह से हमने तैयारी की है, न सिर्फ इस इलेक्शन की बल्कि इस इलेक्शन के बाद अगर लोगों ने हमें मौका दिया तो पहले दिन से हम लोगों की खिदमत करने की जो है तैयारी में हम लगे हुए हैं। मैं अब अपने साथियों से कहूँगा कि एक एक करके वो आपको जो 12 हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि मंशूर ने तो पढ़ना और इसको समझना इतना आसान नहीं होता, लोगों में वैसे भी इतनी पेशेंस आज है नहीं, सब्र है नहीं, लोग ये जानना चाहते हैं जल्दी जल्दी कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हो। तो इस मैनिफेस्टो को हमने 3 हिस्सों में जो है तकसीम किया हुआ है। एक में हम 12 जो अहम वादे हम लोगों के साथ कर रहे हैं, पहले हिस्से में हमने उन 12 वादों को जो है सामने लाया हुआ है, कुछ हद तक हमने उनको समझाने की कोशिश की है। उसके बाद जो उसके साथ जो हम एडिशनल कमिटमेंट्स करने जा रहे हैं दूसरे हिस्से में हमने उनको शामिल किया हुआ है, और तीसरे हिस्से में जो लोग डिटेल में समझना चाहते हैं कि आखिरकार अगर हम किसी चीज़ का वादा कर रहे हैं तो उसको हम पूरा किस तरह से करेंगे, हम उस चीज़ को किस तरह जो है लोगों के सामने पेश करेंगे, तीसरे हिस्से में हमने हर चीज़ को डिटेल में लोगों को जो है वोटरों को समझाने की कोशिश की है। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम सिर्फ उन 12 जो अहम हमारे पॉइंट्स हैं, जो गारंटीज हैं, उन 12 गारंटीज को आपके सामने रखेंगे। उसके बाद पूरी मैनिफेस्टो आपके साथ जितने हम कॉपीज अभी तक तैयार कर सके वो हम आपके साथ बांटेंगे। डिजिटल कॉपीज आपको जितनी भी चाहिए होंगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए, मैसेजेस के जरिए हम वो डिजिटल कॉपीज आप तक दे देंगे और आप इस मैनिफेस्टो की जो है फिर एनालिसिस आप खुद कर सकते हैं। उर्दू और हिंदी में जो है इसकी ट्रांसलेशन की जा रही है और 2-3 दिन के अंदर अंदर इसका उर्दू ट्रांसलेशन और हिंदी ट्रांसलेशन जम्मू के कुछ इलाकों के लिए ये दोनों तैयार करके हम वोटरों के पास जो है इसको पहुंचा देंगे। तो करें शुरू संदीप। ये हमारा ओपनिंग पेज होगा जो मैनिफेस्टो का है, उसके बाद ये हमारा जो पहला पेज है उसमें इंडेक्स्ड है, इसमें पूरा हमारा जो जो हमारा एक सेकेंड ये जो इंडेक्स पेज है इसमें हमने पूरा नंबरिंग की है कि किस पेज में कौन सा वाला, अगर किसी को कोई स्पेसिफिक पॉइंट देखना हो तो उस पेज पे जाएगा। इसका जो फ्रंट पेज है एक हमारे खालिद साहब ने एक अच्छा शेयर है वो मैं पेश करूँगा।